जब खेला नहीं था मैं, सर स्टार्ट ही थी मेरे क्रिकेट, तो बोला था भाई के साथ जॉब कर ले। कोई मुझे जॉब मिली थी पहुँचे वाली जॉब, पहुँचा लगाना है उन कोचिंग में, मगर मैंने मना कर दिया सर। वो अच्छा ही लगा था काम, तो मैंने बोल दिया क्रिकेट ही खेलूँगा। तो वहाँ से फिर मैं क्रिकेट ही खेला सर। वहाँ पर पहुँचे कि जय वो बोल रहे थे कि सुबह किसी को पता नहीं चलेगी, सुबह लगा के चले जाना। तो मुझे पसंद नहीं आई थी, मैं वहाँ से छोड़ के चले गए सर। फिर क्रिकेट पे फोकस किया मैंने, क्रिकेट ये जो आगे ले आएगा मुझे, फिर दूसरा ऑप्शन नहीं था ये, बस बात सही है। तो मैंने पूरा फोकस क्रिकेट पे लगाया, बहुत मेहनत की है सर मैं शुरू में, बहुत ज़्यादा जितनी मेहनत थी आज रंग लाई है जो भी है। मैं शुरू से क्रिकेट खेलता था, जैसे टेनिस बॉल से, लेदर बॉल से। ये हम पाँच भाई हैं, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मॉडर्न स्कूल था, तो उसमें मैं पढ़ता था, तो हम हमारी उसमें भी एक टीम थी, हम सब दोस्त खेला करते थे, टेनिस बॉल से खेलने जाते थे। तो एक क्लब है जादौन राइडर्स, तो उनकी टीम एंटर हुई थी, इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ था। तो हम उन्होंने दो लड़के लिए थे हमारे स्कूल से, मैं और एक मेरा दोस्त था मिंटू। मैं पहला मैच खेला लेदर बॉल से, पहला मैच था मेरा, मैंने उसमें 54 रन किए थे नॉट आउट 32 बॉलों में। तो वहाँ से मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की। हाँ शुरू में पैसे नहीं हुआ करते थे, तो एक स्टेडियम था, सरकारी स्टेडियम था, तो उसी में प्रैक्टिस करा करता था। तो जब मैच हुआ करते थे तो पैसे चाहिए होते थे बॉल मिलाने के लिए, तब उतने मम्मी पापा देते नहीं थे पैसे, तो वो कहते थे पढ़ाई करो, तो मैं खेल नहीं पाता था। पापा तो बिल्कुल फेवर में नहीं थे क्रिकेट के, मम्मी थोड़ा बहुत थी, तो पापा तो बिल्कुल ही मना करते थे खेलने के लिए, मारते भी थे बहुत पाँचों भाइयों को। तो एक टूर्नामेंट हुआ था, कॉलेज का टूर्नामेंट हुआ था, हम कानपुर गए थे हमारी टीम, तो वहाँ के लिए पैसे चाहिए थे। मेरी मम्मी ने पास की दुकान से लेके मुझे पैसे दिए थे 1000 रुपये। बाइक होती थी, उस पर हम दो दो सिलेंडर, जो सबसे बड़े सिलेंडर होते हैं वो हम जाते थे होटलों में देने, किसी के घर में। तो काफ़ी जो मेन काम है मेरे पापा के पास ही है, तो हम काफ़ी हेल्प किया पापा की, हमने भाइयों ने सपोर्ट किया, ऐसे किसी ने मना नहीं किया। हम सारे क्रिकेट में इन्वॉल्व थे, तो पांचों भाई खेलते थे, जहाँ जाते थे पांचों जाते थे साथ। जैसे मैं खेला अंडर 16, तो लगा कि मैंने पहले मैच में 154 किए थे, वहाँ से लगा हाँ मैं खेल सकता हूँ। और जब मैं फर्स्ट टाइम अंडर 19 खेला, तो मैं बहुत अच्छे रन किए थे, पहले साल ही मैं रणजी ट्रॉफी खेली वनडे, वहाँ से लगा मैं हाँ खेल सकता हूँ। रणजी ट्रॉफी मैंने अच्छा डेब्यू था मेरा, 2 विकेट और 83 रन थे उस मैच में, विदर्भा से मैच था। वहाँ से मुझे लगा हाँ मैं और अच्छा कुछ कर सकता हूँ, इंडिया के लिए खेल सकता हूँ। जो मैं अपनी मेहनत करता था, मैं वो कभी नहीं छोड़ता था, जैसा मैं रहता था, मेरी जैसी बॉडी लैंग्वेज है मैं वैसे रखता था। स्कूल का टूर्नामेंट हुआ था अलीगढ़ में, वर्ल्ड कप, वही DPS में, ये मैं नाम बताया था, सौम्य इंजन, उन्होंने कराया था। तो काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था, बाहर की टीमें आई हुई थी वहाँ। मैं वो मेरे पापा मैच भी देखने आए थे, फाइनल मैच हार गए थे हम। तो मेरा तो टूर्नामेंट था, मुझे बाइक मिली थी उस दिन के बाद से, मैंने आज तक मार नहीं खाई। उन्हें फील हुआ होगा कि कुछ कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर मैं पहला लड़का था अलीगढ़ का जो IPL है, क्या सिलेक्शन हुआ था मेरा, काफ़ी खुश थे घर वाले, बहुत खुश थे सर। मगर अमाउंट भी बहुत बड़ा था सर, क्योंकि इतना पैसा कभी देखा नहीं किसी इतनी फैमिली में, तो काफ़ी खुश थे घर वाले। जो भी दिक्कतें थी सब दूर हो गई उससे, काफ़ी अच्छा हुआ था सिलेक्शन सर। जमीन लेकर घर बनवाया, जो छोटे मोटे कर्जे थे वो क्लियर किए। प्यार तो बहुत है, बहुत प्यार है भाई, बहुत KKR ने मेरी लाइफ बनाई है। जो जितनी भी परेशानी थी मेरी लाइफ में, घर भर की, ये वो सब KKR की वजह से। जब KKR ने मुझे पिक किया सिलागुर में, तो इतना पैसा हमारी फैमिली ने नहीं देखा था यार, बहुत पैसा होता है सिलागुर पे। मेरे कहाँ पापा की 10-12 हज़ार तनख्वाह थी।